दिल्ली में एक तेंदुए की मौत के बाद फिर दिखा दूसरा तेंदुआ। वन विभाग की टीम सर्च में जुटी, जिस जंगल में सड़क पर बीती रात ग्रामीण ने वीडियो बनाया, उसी जंगल में वन विभाग कर रहा है सर्चिंग। इससे पहले वन विभाग द्वारा लोगों को सावधानी हेतु पोस्टर भी लगाए गए हैं। बुराड़ी इलाके के मुखमेलपुर में एक बार फिर देखा गया तेंदुआ। मुखमेलपुर निवासी एक राहगीर ने हिरण की कुशक से मुखमेलपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर बैठा हुआ देखा तेंदुआ, जिसका राहगीर द्वारा बनाया गया वीडियो। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने इलाके में गश्त शुरू की, परंतु वीडियो देखकर वन विभाग की टीम ने तेंदुओं की नहीं की पुष्टि। लेकिन जीव जंतु वैज्ञानिक डॉक्टर फयाज खुदसर ने वीडियो में दिख रहे जानवर को बताया लेपर्ड, लोगों में दहशत का माहौल। बुराड़ी विधानसभा के मुखमेलपुर इलाके में बीते दो हफ्तों से लगातार तेंदुए होने की सूचनाओं वन विभाग को मिल रही है, जिसको लेकर वन विभाग की टीम मुखमेलपुर के जंगलों में लगातार गश्त कर रही है, परंतु दो हफ्ते बीत जाने के बाद भी तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच तेंदुए का एक बार फिर से वीडियो वायरल हुआ, जिसने फिर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जिसमें गाड़ी से बैठकर इस वीडियो को बनाया गया, सड़क के किनारे पर एक तेंदुआ बैठा है और शिकार की तलाश में है। वीडियो वायरल होने के बाद इस बात की पुष्टि भी की गई कि यह वीडियो वास्तव में हिरण की पुलिस चौकी में मुखमेलपुर जाने वाली मुख्य सड़क का ही है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाला जानवर तेंदुआ है, लेकिन वीडियो दूर से बनाए जाने के चलते यह जानकर कौन सा है साफ नजर नहीं आ रहा है। परंतु इस वीडियो को वन्य जीव जंतु वैज्ञानिक डॉक्टर फयाज खुदसर ने वीडियो में दिखने वाले जानवर की पुष्टि करते हुए जवाब दिया कि वीडियो में दिखने वाला जानवर ही लेपर्ड है। फिलहाल आपको बता दें कि पिछले दो हफ्तों से लगातार मुखमेलपुर इलाके में तेंदुआ देखे जाने की खबर वन विभाग और दिल्ली पुलिस को मिल रही है। वहीं कई बार मुखमेलपुर इलाके में तेंदुए के फुटप्रिंट भी वन विभाग की टीम को मिले हैं, परंतु इस जंगल में तेंदुआ कहां से आता है और कहां जाता है, इसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। रात को सूचना मिली थी, थोड़ी रात को ही मिली थी, दो भी कुछ मिली। कर रहे हैं आप? हाँ, तो पेट्रोलिंग पे चले हुए रात से ही। अभी कब मिला आपको, कुछ देखा गया इस बारे में? तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, अभी हमारे बड़े अधिकारी बताएंगे इस बारे में। अभी तो हमें कुछ मिला नहीं है ऐसा कुछ भी। अब लगातार 15 दिन से? तो 15 दिन से रेगुलर चले हुए इसी रोड पे। हाँ जी, मुखमेलपुर से रेणकी से पुस्ते वाले रोड पे भी चक्कर लगा रहे हैं। टीम भी इसके लिए, टीम भी एक 8-8 घंटे की टीम बनाई हुई है, 3 शिफ्ट बनाई हुई है सर्च के लिए, लेकिन अभी तक किसी को कोई सबूत हाथ नहीं लगा।